सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को प्लेऑफ में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। दोस्तों, आज आईपीएल 2018 में किंग्स इलेवन पंजाब ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 10 विकेट से हराकर आईपीएल के प्लेऑफ के लिए रेस में अपना स्थान मजबूत किया। किंग्स इलेवन को बात करें तो 5 मैचों में 4 हार के बाद अश्विन ने फैंस को भरोसा दिलाया था कि किंग्स इलेवन पंजाब की टीम अपने अगले सारे मैच जीतकर आसानी से प्लेऑफ में जगह बना लेगी, लेकिन बेंगलोर के खिलाफ पंजाब बल्लेबाजों का शर्मनाक प्रदर्शन रहा। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ खेलते हुए किंग्स इलेवन पंजाब को विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। गेल और राहुल ने शुरुआत तो अच्छी दी और लग रहा था कि आज दोनों बड़ा बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन केएल राहुल आज जब पंजाब का स्कोर 4.3 ओवर में 36 रन था तो वो 21 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद गेल भी 18 रन बनाकर आउट हो गए। नायर भी सिर्फ 1 रन ही बना पाए। पूरी टीम 88 रन पर ऑल आउट। इसके बाद आई स्टोनिस ने सिर्फ 2 रन ही बनाए और आउट हो गए। मयंक अग्रवाल भी 2 रन का ही योगदान दे पाए। एरॉन फिंच थोड़ा सा बढ़िया खेले और 26 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान अश्विन भी आए और 0 रन पर आउट होकर चलते बने। एंड्रू टायर भी 0 रन पर आउट हुए। इसके बाद मोहित शर्मा 3 रन पर रन आउट हो गए। इस तरह पूरी टीम पंजाब ने सिर्फ 88 रन ही बनाए, जो इस ग्राउंड का और इस आईपीएल के दूसरे कम स्कोर है। जवाब में उत्तरी बेंगलोर की ओपनिंग जोड़ी विराट कोहली और पार्थिव पटेल ने बिना कोई विकेट गंवाए इस छोटे लक्ष्य को आसानी से पार कर लिया। विराट कोहली और पार्थिव पटेल ने मैदान के चारों ओर रनों की बारिश को जब 8 ओवर में 88 रन बनाए टैब पंजाब के गेंदबाज अंकित राजपूत ने नो बॉल डाली और बेंगलोर की जीत पक्की हो गई। इस मैच को बेंगलोर ने 10 विकेट से जीत। इस हार के बाद पंजाब की टीम नंबर 5 पर पहुंच गई। अंक तालिका में हैदराबाद पहले स्थान और चेन्नई दूसरे स्थान पर है। अब अगले मैच जीत हार के ऊपर बेंगलोर, पंजाब और मुंबई का भाग्य जुड़ा है। क्या मुंबई बेंगलोर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं? आप अपना विचार कमेंट करके बताएं। दोस्तों, आप नेगा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कमेंट करें और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें।